हिंदी भाषा को लेकर जहां एक तरफ सरकार और शिक्षण संस्थानों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इन बातों पर चिंतित हैं कि हिंदी भाषा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और वो हुआ भी, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हिंदी के बगैर भारत में गूगल को भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसीलिए अब गूगल पर भी हिंदी में परिणाम देखने की होड़ लग गई है। लेकिन वहीं पर कुछ शिक्षा में हिंदी की अलग अलग परिभाषा देखने को मिल रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू कॉलेज के हिंदी विभाग से, हमारे बीच में है डॉक्टर अनुरुद्ध सुधांशु जी, और हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि हिंदी की आखिरकार ऐसी दयनीय स्थिति क्यों दिनों दिन होती जा रही है। सुधांशु जी, जनवार्ता में आपका स्वागत है। हिंदी विषय को लेकर के जो अभी बातचीत चल रही है, बहुत चर्चा भी है जिस बात को लेकर कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हिंदी का जो स्तर है उसमें ऊपर उठने की बजाय उसमें बहुत सारी चीज़ों में अभी भी देखी जा रही है कि विरोधाभास है। ये क्या है, क्यों है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है हिंदुस्तान में वो ज़्यादा क्षेत्रीय टच से चलता है, जिसको हम कहते हैं कि आप जैसे बिहार की हिंदी को लें तो वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो विभेद है, इतना ज्ञान शिक्षकों को ही नहीं है कि वो हिंदी के मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान बच्चों को दे सके। दूसरा जो हमारे पास दिक्कतें आ रही हैं कि हम सिर्फ एक परीक्षा ओरिएंटेड शिक्षा पद्धति में घुस गए हैं, जहाँ सिर्फ परीक्षा पास करना मूल उद्देश्य हो गया है और सब्जेक्ट का आपको कितना ज्ञान है नहीं है इस बात को लेकर के कोई भी चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती है। आप जैसे हिंदी है, अब ट्रांसलेशन, एक एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको अनुवाद के तौर पर, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए कि आई हैव नो मनी, आई डोंट हैव मनी। जब तक इस पूरे डिफरेंस को नहीं समझते हैं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके घर में भी पैसे नहीं हैं और आपके पास अभी भी पैसे नहीं हैं। इस तरीके से हिंदी, और हिंदी को देखेंगे तो आजकल सिर्फ लिखने वाली शैली में आ गई, रटने वाली शैली में आ गई, समझने वाली शैली जो बिल्कुल अनुपस्थित हो जा रही है। दूसरी बात, जो अंतर्विरोध आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तीन तरह की हिंदी है, हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी। हिंदी जिन्होंने आठवीं तक पढ़ी उनके लिए हिंदी सी है, जिन्होंने दसवीं तक पढ़ी उनके लिए बी है, और जिन्होंने बारहवीं तक पढ़ी है उनके लिए हिंदी ए है। लेकिन इनके सिलेबस को देखिए तो आपको बहुत मूलभूत अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। ए वाले भी कविता पढ़ेंगे वो कबीर की कविता पढ़ेंगे, बी वाले भी कविता पढ़ेंगे, सी वाले भी कविता पढ़ेंगे। जब तीनों ही कविता पढ़ रहे हैं तो आप कहाँ अंतर महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसी तरीके के और भी अंतर्विरोध है, जबकि होना ये चाहिए कि जिन्होंने हिंदी सी पढ़ी है उनको व्याकरण की जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको व्याकरण ही खराब है। जिन्होंने आठवीं के बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं उनके लिए व्याकरण एक मूल समस्या है। अभी पिछले दिनों की ही बात है, एक विद्यार्थी आया हमारे पास कि मुझे लिखनी नहीं आती सर, मैंने दो साल से हिंदी पढ़ी नहीं है। मैंने कहा आप डेली जो है बोलते हैं फिर भी कहते हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ डेली उपयोग में आ रही है उस चीज़ को सीखने के लिए हमें पैटर्न बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद जो है और कोई चीज़ नहीं हो सकती हिंदी के लिए। तो वैश्विक स्थिति जो बन रही है उसमें गूगल पर आप देखें, गूगल पर क्या होता है कि हिंदी का जो स्वरूप है वो आपको बिगाड़ भी देता है कई दफ़े। आप गूगल की हिंदी को देखेंगे तो देखेंगे टाइप कर रहे हैं आप, गूगल में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो फीड है वो विदेशी लोगों द्वारा फीड है, तो वहाँ हिंदी की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो एज इट इज़ हमारे असाइनमेंट में देखने को मिलता है, कि जब हम कोई असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो हिंदी भी वहाँ से कॉपी करके लाते हैं, तो वहाँ की जो हिंदी होती है वो बिल्कुल एच आई लिखेंगे तो हो सकता है मात्रा जो है छोटी की लगने के बजाय बड़ी की लग जाएगी, और आपका ज्ञान नहीं है तो आप वही कॉपी करके ले आएंगे। तो दूसरी तो ये समस्या है। तीसरी कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि रोजगार ओरिएंटेड नहीं बताते लोगों को। जैसे अभी हम चैनल पे बैठे हैं, हो सकता है हमारा कोई बच्चा चैनल पे आना चाहता हो या मीडिया में कुछ काम करना चाहता हो, लेकिन आठवीं तक ही हिंदी पढ़ी है तो ये डर तो सबसे पहले उसे सता रहा है कि मुझे लिखनी नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको लिखनी नहीं आती वो बोलनी भी ना आए, कई दफ़े ऐसा होता है। जैसे आप अंग्रेजी को ले लें, ज़्यादातर लोगों को ट्रांसलेशन का ज्ञान नहीं है,
लेकिन फिर भी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। उसी तरीके से हिंदी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन हिंदी के साथ ये नहीं हो पाई। कारण यहाँ के सिलेबस में, दिल्ली विश्वविद्यालय में खास करके सिलेबस में तो इतना अंतर विरोध है, जिसकी चर्चा मैं कई सालों से करता रहा हूँ, कि बीकॉम पढ़ने वाला विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर का है वो भी गोदान पढ़ रहा है, बीए ऑनर्स थर्ड ईयर का जो विद्यार्थी है वो थर्ड ईयर में आके गोदान पढ़ रहा है। मतलब प्रेमचंद को समझने के लिए एक व्यक्ति को 2 साल हिंदी पढ़ने की जरूरत है, और जिस व्यक्ति को हिंदी सिर्फ 6 महीने पढ़नी है उसे गोदान पहले ही पढ़ा शुरू कर दे रहे हैं। यानी उसकी समझ मान ली जा रही है कि प्रेमचंद को लेकर के ज्यादा है बीकॉम वालों को, और बीए ऑनर्स वालों का कम है। सिलेबस को लेकर के बात करें तो बीए प्रोग्राम अभी एक सिलेबस आया डीएसई, उसमें ऐच्छिक विषय है, और दूसरा जो है उसमें एक और विषय आ रहा है आपके साथ साथ लौकिक और मौखिक साहित्य का। इसको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाना है और 6th सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाना है, और दोनों का सिलेबस लगभग एक है, और दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऑनर्स वाले बाद में पढ़ेंगे और प्रोग्राम वाले पहले पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हिंदी से दूर करती हैं। दूसरा, टीचरों का जो बिहेव है कि 5 क्वेश्चन रट लीजिए आप, यही क्वेश्चन आने हैं, इससे जो छूट ले लेते हैं, उससे जो जिम्मेवारी से मुक्ति वाली बात है, उसने हिंदी को और नुकसान पहुंचा दिया। अभी आपने देखा कि हिंदी भाषा को लेकर जो एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के, उन विषयों को लेकर के, जब तक हिंदी का वैज्ञानिकरण नहीं होगा तब तक एक व्यावसायिक रूप नहीं बन सकेगा। हिंदी से कैसे आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी भाषा किस तरह से एक विश्वव्यापी भाषा के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, इसकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। जनवार्ता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शिक्षा से संबंधित हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी।